तो मेरी बच्चा पार्टी बहुत दिन से डिमांड कर रही थी कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें आप मुझे ये बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ का इस ईयर हमारा जो कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है। तो वही मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ। उसमें जैसा कि आपको पता है दो चार नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो अपन बात करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर तक 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन इस बार एक कॉलेज को और परमिशन मिल चुकी है और वो हमारा कौन सा है, महासमुंद है। और यहाँ पे भी मैं मान के चल रहा हूँ कि EWS सीट्स नहीं आई है, जो 25 सीट्स आती है EWS के नाम से वो नहीं आई है, ये मान के चल रहा हूँ। आ भी सकती है, अभी इसके बारे में जो हमें क्लेरिफिकेशन देगा वो CGDME ही देगा, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें नहीं आई है, ठीक है। अब आपको जैसा कि पता है कि यार इसमें तो कोई डाउट है नहीं है कि JNM हमारे यहाँ का या रायपुर का जो कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो हमारे यहाँ का बेस्ट कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है, तो उसका तो कट ऑफ हमेशा ऊपर जाता है। अब इन तीन कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें अभी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो इन तीन कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा वो बच्चों की चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं ऐसा मान लूं कि सेकंड नंबर पे बच्चा बिलासपुर रख रहा है, थर्ड नंबर पे राजनांदगांव रख रहा है, फिर जगदलपुर रख रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। और फिर रायगढ़ आता है हमारा, इन तीनों के बाद ही आता है। देखो रायगढ़ को कोई भी बच्चा इन तीनों के ऊपर तो नहीं रखता है, जहां तक मैंने देखा 95% बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। फिर अंबिकापुर आता है, फिर आपका कांकेर आता है, फिर आपका महासमुंद आता है। तो नो डाउट इसमें कि महासमुंद का सबसे कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि अभी ये नया नया कॉलेज ओपन हुआ है इसलिए यहाँ का कट ऑफ सबसे कम जाएगा। तो ऐसा मैं मान के चलूँ, क्योंकि मान के चलो कि किसी बच्चे ने ऐसे चॉइस फिलिंग अगर की है तो फिर हमारे यहाँ का कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस बार का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मुझे लगता है कि रायपुर का जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, अगर आपके 598 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो सेकेंड राउंड के बाद आपको रायपुर मिल सकता है। और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पे ओबीसी में डिफरेंस ज्यादा आता है, बाकी कॉलेजेस में डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। वो क्यों आता है मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप बात करें बेटा एससी बच्चा की, तो एससी मुझे लगता है कि जिसका भी 495 प्लस मार्क्स आ रहा है उसको रायपुर इस बार मिल सकता है। और अगर हम एसटी की बात करें तो 400 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपको JNM रायपुर कॉलेज इस बार मिल सकता है। और अगर हम EWS की बात करें तो EWS में जैसा कि मैंने कई बार बताया, इसका प्रिडिक्ट कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके 555 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे EWS कैटेगरी को रायपुर का कॉलेज मिल सकता है इस बार। अब हम बात कर लेते बेटा सिम्स बिलासपुर की, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपका अनरिजर्व में 570 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आपको मिल सकता है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 569 प्लस मार्क्स तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम एससी की बात करें तो अगर आपके 480 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जरूर मिल जाएगा। अगर हम एसटी की बात करें तो 370 मार्क्स से 370 प्लस मार्क्स तो जरूर मिल जाएगा। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 520 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं राजनांदगांव पे, तो इसका क्या कट ऑफ जा सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर आपके 565 प्लस मार्क्स आ रहे हैं नीट में तो आपको मिल जाएगा। अच्छा आप बात करते हो सर बोनस के साथ कि बिना बोनस के, तो बेटा बोनस सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा अगर मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए बोनस तो नहीं देगा, फिजिक्स के सवाल में तो बिल्कुल ही बोनस नहीं होने वाला। मैं मानता हूं सवाल की फ्रेमिंग गलत हुई थी, लेकिन सवाल का आंसर आ रहा है अगर हम उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। मैं ये मानता हूं कि बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारा जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है वो बढ़ता है, लेकिन वहां पे ये दिया था कि न्यू के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो कम था और न्यू बाय 2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो ज्यादा था। तो फ्रेमिंग गलत की गई थी, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन अगर आप बनाएंगे, आइंस्टाइन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है उससे अगर दो इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पे आंसर आता है, ठीक है। तो वो मैथमेटिकली करेक्ट है, उसकी सवाल की फ्रेमिंग गलत की गई। तो फिजिक्स में कोई भी आपको बोनस नहीं मिलने वाला, बाकी केमिस्ट्री और बायो का मैं नहीं बता सकता हूं। तो आप ये सोचिए मत कि आपको फिजिक्स में बोनस मिलेगा, और बोनस सबको मिलता है, तो सबके मार्क्स में 5-5 बढ़ जाएंगे, ये विदाउट बोनस अभी मैं लेके चल रहा हूं यहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर राजनांदगांव कॉलेज अगर ओबीसी का कितना मार्क्स है जिसको मिल सकता है बेटा, तो मुझे लगता है कि अगर आपका 564 प्लस मार्क्स और आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है बेटा। इस बार राजनांदगांव, अगर अब हम बात करें एससी में, तो एससी में लगता है कि अगर आपके 475 प्लस है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम एसटी की बात करें तो इसमें आपका ये मान के चलिए कि 365 या 370 प्लस ही मान के चलिए, 365 प्लस है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें बेटा, तो अगर आपके 510 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मिल सकता है। चलिए जगदलपुर में आ जाते हैं, तो 560 प्लस, ठीक है। ओबीसी में 559 प्लस, एससी में 465 प्लस, एसटी में 360 प्लस और EWS में 505 प्लस।
अब इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 510 से ज्यादा होगा और हो सकता है वो जगदलपुर को प्रीफर करें ओवर राजनांदगांव, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिलासपुर को मतलब 525 मार्क्स होने पर भी बिलासपुर को प्रीफर ना करके अपनी चॉइस फिलिंग में राजनांदगांव को प्रीफर कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सब ध्यान रखा हुआ है। इसलिए अगर आपका मार्क्स इससे ऊपर आ रहा है और आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब हम रायगढ़ की बात कर लेते हैं तो रायगढ़ में आ जाएगा 553 प्लस 555 प्लस, ये हो जाएगा 554 प्लस, और ये हो जाएगा 460 प्लस, और ये हो जाएगा 355 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 500 प्लस। ठीक है बेटा। फिर अगर हम बात करें अंबिकापुर की तो अंबिकापुर 547 प्लस, 546 प्लस, 455 प्लस, 352 प्लस, इस रेंज में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, और फिर चॉइस फिलिंग पे भी डिपेंड करता है, मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ। 495 प्लस। अगर हम कांकेर की बात करें तो 542 प्लस अनरिजर्व का, ओबीसी का 541 प्लस जा सकता है, 449 एससी का जा सकता है, 346 प्लस आपका एसटी का जा सकता है, और 482 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस का जा सकता है। महासमुंद में तो मैं लेके चल रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं है, ठीक है, तो इसमें जा सकता है 537 प्लस, ये जा सकता है आपका 536 प्लस, ये जा सकता है आपका 443 प्लस, और ये जा सकता है आपका 335 प्लस। और यहाँ पे मैं EWS को मान के चल रहा हूँ कि अभी नहीं है, अगर EWS आता है बेटा तो मुझे लगता है EWS में 475 तक भी जा सकता है। तो यही आप लोग जानना चाह रहे थे ना मुझसे, तो मैंने आपको ये बता दिया। इसमें दो चार नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बच्चा पार्टी, टाटा एंड बाय बाय।